प्रेम का तीसरा गुण विश्वास, जिससे हम प्यार करते हैं उस पर हमें थोड़ा तो विश्वास होता ही है कि हम यहाँ आए हैं, कम से कम इतना विश्वास तो जरूर लेके आए कि हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवत चर्चा होगी, कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर इतना विश्वास लेकर आए तो ज़रूर फायदा होगा, और ये विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अंधविश्वास गड्ढे में गिराने वाला है, बहुत खराब चीज़ है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं कि हम अपने को इतना संकुचित बना दें कि सच्ची बात को भी ना माने। अपनी बात को खुला रखिए, जिस बात को आत्मा माने उसे कबूल करिए, उस पर चलिए तो हमेशा लाभ होगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है, हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हमारे अनुभव खुलते चले जाते हैं, उसके बाद हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे उसकी लीला को देखते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और हम अपने आप को परमात्मा की ओर पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पर यह विश्वास होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आप अपने तरीके पर विश्वास होना चाहिए कि जो तरीका परमात्मा की प्राप्ति का हमने अपनाया है वह ठीक और सच्चा है। बहुत सोच समझकर इस रास्ते में कदम रखिए। जब धीरे धीरे हमें ऐसा विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर प्रभु की याद में डूबा रहता है, सुख में भी उसकी याद है और दुख में भी उसकी याद है, कोई समय ऐसा नहीं रहता जब हमें उसकी याद नहीं रहती हो, ऐसी सुंदर हालत जब बन जाती है तो हमें विश्वास हो जाता है कि यदि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय में भी उसकी याद नहीं छूटेगी। चिंतन और विश्वास ही है जो हमें पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है तो बड़ी बड़ी तपस्याएं धरी की धरी रह जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, मन भी कमज़ोर हो जाता है। ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मिक अनुभव यदि जिंदगी में हो जाते हैं उससे विश्वास दृढ़ हो जाता है और वही अंत समय में आपके काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता है विश्वास की। लेकिन याद रखिए, हमेशा सोच समझ कर विश्वास करें। अंधविश्वास बहुत खराब चीज है जिसे कभी नहीं करना चाहिए। अनुभव के साथ विश्वास करें तो बराबर लाभ होता रहेगा, आप बढ़ते रहेंगे, इस रास्ते में चलते रहेंगे, और ये विश्वास ही है जो आपको परमात्मा से मिलाएगा। मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई जो बहुत सुंदर है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि महाराज ये कुंभ का मेला है, 12 साल में एक बार आता है और उसमें लाखों व्यक्ति आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, ऐसा कहते हैं कि गंगा जी पाप नष्ट कर देती है, इतने व्यक्ति आते हैं स्नान करते हैं, इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे तो गंगा जी को बड़ी दिक्कत आती होगी इनके पाप को नष्ट करने में। लाखों व्यक्ति सारा पापों का बोझ गंगा के अंदर छोड़ जाते हैं। शिव जी बहुत मुस्कुराए और कहने लगे कि पार्वती जी ऐसी बात नहीं है, ये जो लोग पापों की गठरी लेकर आते हैं, जैसे लाते हैं वैसे ही वापस ले जाते हैं, फिर खामा खा आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं, बसें चलती हैं, इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है,
तो ये सब ये बेकार है। लगता तो ऐसा ही है पार्वती जी, ये सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोली, कैसे हो सकता है? शिव जी ने कहा, चलिए कुंभ का मेला लगाए तो देख लो, अपने आप आंखों से देख लीजिए। शिव जी ने अपने को कोड़ी का रूप बनाया और पार्वती को कोड़ेन का स्वरूप दिया। इस तरह कोड़ी कोड़ेन बनकर त्रिवेणी की तरफ चले और उस रास्ते पर बैठे जहां से लाखों यात्री स्नान करने जा रहे थे और स्नान करके लौट रहे थे। शिव जी ने, महाराज ने एक वन नारा लगाना शुरू किया और ये था कि मुझे एक महात्मा का वरदान मिला है कि कुंभ में के मेले में अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसके गंगा स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट गए हों, यदि वे गंगा जल भर लाए और मेरे ऊपर छिड़क दे तो मेरी काया कंचन हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा मुझे वरदान है। एक संत की वाणी है, उसकी वाणी कभी झूठी नहीं हुई न हो सकती है। आप लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा आए त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट गए हों, जल लेता आए और मेरे छींटा लगा दे। सुबह से शाम हो गई, एक भी गंगा माई का भक्त न मिला जिसने की हिम्मत की हो कि गंगा में स्नान करने के बाद उसके उसको विश्वास हो कि उसके सारे पाप नष्ट गए हो गए हों। पार्वती जी तमाशा देखती रहीं, बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल जब सूरज छिपने लगा, एक किसान आया, उसने गंगा जी में स्नान किया, पाप नाशनी माँ हर हर गंगे उच्चारण पवित्र बाहर निकला। कुछ लोगों को वहाँ खड़ा देखा, शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गंगा माई का भक्त हो, छींटा लगा दे, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वो कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं, इसमें कोई शुभा नहीं। तेरा शब्द झूठा हो सकता है लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती, मैं अभी जल लाता हूँ, छींटा लगाता हूँ। वह दोबारा गया इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं, न था न है, उसका जीवन इतना पवित्र और सरल था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती और शिव जी प्रकट हो गए तो कहा, देखो करोड़ों में यही एक ऐसा है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। तो विश्वास आखिरी मंजिल है, वह विश्वास जो अनुभव से हासिल हुआ हो, जिसने आपके जीवन को पवित्र बना दिया हो, ऐसा विश्वास अंत में काम देता है, पार लगाता है। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। इस सेवक के गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहा करते थे, बहुत सुंदर बात कहा करते थे। कहते थे, संसार बनाए सार असार की मिलानी से, इसमें सार भी वस्तु है असार भी वस्तु है, दोनों से मिलकर संसार बना है। इस संसार में परमात्मा ने जहां आपको जन्म दिया, जिन परिस्थितियों में रखा, उन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। वह कहा करते थे, दिल और दांतों से, दिल से उस ईश्वर की याद को पकड़ो, हृदय से सच्चे प्रेम से पकड़ो, सच्ची लगन से पकड़ो। दांतों से क्या मतलब है?
जब आदमी हताश हो जाता है, डूबता होता है, तिनके का सहारा पकड़ता है, अगर लड़ाई हो रही हो और बिल्कुल निराश हो चुका हो तो दांतों से ही काटने की कोशिश करता है, दांतों से पकड़ने की कोशिश करता है, तो ऐसे अपने आप को समझाते हुए उस परमात्मा के नाम को, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रहे न रहे, दुनिया रहे न रहे, लेकिन उसके नाम को ना छोड़ो, ऐसे दिल और दांतों से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो। सार यही सार वस्तु है, इसी से सच्चा आदर्श जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, जो मनुष्य का सबसे ऊंचा आदर्श है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, अपनी उन्नति के बारे में ना सोचें, कोशिश ही ना करें, हरगिज नहीं। हम लोग तो ग्रस्ती हैं और हमारा रास्ता ग्रस्त का रास्ता है, इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार के में रहते हुए, संसार के सब काम सुंदरता से करते हुए, हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहे, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे, और संसार के सब काम सच्चाई के साथ करते रहें, लगन के साथ होते रहें, आज से अच्छे, यही हमारा आदर्श है। दस बगैर दिल बगैर हाथ काम करें, दिल ईश्वर की याद करे, तो संतोष के माने ये नहीं कि हमारे हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाए, कोशिश ही नहीं करें। हमें प्रतिशील रहना चाहिए अपनी दुनियावी तरक्की के लिए, हमेशा हम सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें, द्वेष से बचें, दूसरे को देखकर हमारे अंदर उत्साह पैदा हो, दूसरे को देखकर हमारे अंदर उत्साह पैदा हो और हम अच्छी मेहनत करें, उससे अच्छी तरक्की प्राप्त करें। जहाँ द्वेष होता है वह हृदय अपवित्र हो जाता है, उसमें परमपिता परमात्मा नहीं रहता। यह प्रेम का है चौथा गुण संतोष। परमात्मा ने हमें जिस हाल में रखा उसमें खुश रहते हुए हम उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़े, सुख में भी दुख में भी। सुख आता है भगवान के अर्पण हो जाता है कि हे प्रभु आपकी दया कृपा से हुआ, आपका दिया है, जैसा चाहे वैसे रखे। जिनका ईश्वर में जीवन है उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि फूले ना समाए। खुशी आई, भगवान के अर्पण हो गई कि परमात्मा ने बड़ी दया कृपा की है, परमात्मा की देन है, जैसा चाहे वैसे रखे। दुख आया तो ऐसा वक्त परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है, वह जानता है कि इसका निवारण उसी के चरणों में है और कहीं नहीं। वह परमात्मा की और गहरी याद करता है, वह सोचता है कि शायद मुझसे ऐसी कोई गलती हो गई, प्रभु मेरे से थोड़े विमुख हो गए, जो कष्ट में पड़ा भगवान को और कस के पकड़ता है। संतों की बड़ी सुंदर वाणी है, संतों ने कहा है, मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुखात ना आवे, जैसे सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सेवर का वृक्ष होता है, उसमें सेमल का लाल लाल फूल बहुत अच्छा और सुंदर आता है, जो सुआ पक्षी है,
उस फूल को देखकर बड़ा मोहित हो जाता है और इस आशा में बैठा रहता है कि इसमें फल भी बड़ा सुंदर प्यारा मीठा लगेगा। जब फल आता है तो रुई का डोडा उसमें से निकलता है, बड़ा निराश होता है। ये दुनिया में बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब हमें अनुभव होता है तब ये पता चलता है कि ये तो रुई का डोडा है। हंस अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। हाँ, तो जैसे कर सेवर की सेवा सुआ बैठ पछतावे, और यदि ऐसा दुख ऐसी तकलीफ आ पड़े कि जो हमारे हृदय को परमात्मा की याद में लगा दे, ईश्वर की याद कराता रहे, हमारा हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूब जाए, वह तकलीफ भी हमें मुबारक होती है। उसने हमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया तो संत न सुख में सुखी होता है न दुख में दुखी होता है, उसका ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। दुख आया और परमात्मा की गहरी याद है, सुख आया भगवान के और गहरी याद है, अर्पण कर दिया और विश्वास हो जाता है कि आखिरी समय जब आएगा तो अवश्य उसकी याद आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, मुझे पाता है। सच्ची आशा हो जाती है कि जरूर हमें आदर्श सच्चा जीवन प्राप्त होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि निशाते जिंदगी है, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो सफर होना, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसर होना, निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। ये है सच्ची जिंदगी। दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद हैं, लेकिन उसे इसका ज्ञान ही नहीं, उसका हृदय तो हमेशा अपने आत्मा के अनंत के रस को चूसता रहता है, निरंतर ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसी के आनंद में आनंद विभोर होता जाता है। इस सब का उसके ऊपर कोई असर नहीं आता, तो ये है सच्ची जिंदगी। इसी संसार में है, इसी दुनिया में है, सारे वैभवों के बीच है, लेकिन हृदय परमात्मा में ऐसा लगा रहे कि हमका इस पर कोई ज्ञान ना हो, कोई असर ना हो, ये है सच्ची जिंदगी। यह प्रेम का चौथा गुण संतोष। प्रेम का पांचवा गुण है त्याग, इशारा और कुर्बानी। एक दिया जलता है, तेल और बाती ठीक है तो रोशनी अच्छी देगा, धीरे धीरे चिराग की लौ में धुआं पैदा हो जाता है तो क्या करते हैं, कैंची से उसको काट देते हैं। तेल डाल दिया, तेल जलने लगता है, फिर रोशनी देने लगता है। जब परमात्मा की असीम दया कृपा से हृदय में उस परमात्मा का प्रेम जागृत हो जाए, फिर ऐसे साधक को चाहिए कि त्याग की कैंची से उसकी लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे। ऐसा ना हो कि उसमें धुआं पैदा हो जाए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।